नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मिस्टर गौरव जी, डॉक्टर हमारे श्री अजय सिंह जी कमिश्नर पीएफ दुर्गापुर से आए हैं, एवं सबसे बड़ी बात जो है कि ये हमारा संकल्प, ये जो संस्था है उसके मैं समझता हूँ कि ये कर्णधार है, मतलब उनका जो योगदान मैंने देखा है, इस छोटे से वृक्ष को जिस तरीके से उन्होंने सींचा है पिछले एक वर्ष में, मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है मैं समझता हूँ, क्योंकि ये जो उन्होंने एक परिवार बनाया है उसमें हमारे राजेश देवघरिया जी की भी जो है बहुत बड़ा उनका भी कंट्रीब्यूशन है, और जितने भी मेंबर्स हैं वो भी साथ में जुड़ के आप लोगों ने इसे एक बड़े परिवार का रूप दिया है, इसीलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं मैं समझता हूँ। ये आप लोगों के सहयोग के वजह से ये जो पीड़ा आप लोगों ने उठाया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये एक नया इतिहास बनेगा। अगर बहुत ही पुण्य का है, और किस तरह आप लोग कर पा रहे हो, मैं जैसे आप बता रहे थे कि हर रोज 100 से 200 एक्चुअली एक दिन किसी को 100 से 200 लोगों को खिलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। करीब 200 लोगों को रोज खिला रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके लिए जोरदार तालियां हो, क्योंकि तालियों से तो इससे पूरा नहीं किया जा सकता, बट उससे एप्रिसिएशन तो आपको मिलना चाहिए। और अपने आप में मतलब मेरे ख्याल से आसपास के कोई लोग, बिकॉज 200 लोगों को आप खिला रहे हो, तो कोई भिखारी या गरीब व्यक्ति या कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। जैसा किसी को भोजन देना अपने आप में कितना पुण्य का काम होता है। बनारस में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, बट यहाँ तो दिख रहा है मुझे कि वासुकीनाथ जी का भी आशीर्वाद है कि इस क्षेत्र में कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं उन भूखे लोगों की तरफ से मैं आप लोगों को, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, और ये लगातार निरंतर करते रहिए। और यदि हमारी संस्था की तरफ से भी किसी तरह के सहयोग की जरूरत होगी, एक अच्छी बात आपने बताया, हम भी लगातार लोगों का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं पौधे लगाकर, तो एक बात और पता चली कि हमारी संस्था में भी इस बात को जरूर फैलाएंगे कि जो भी व्यक्ति अपने जन्म, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाए, अंधों के स्कूल में जाए, बहुत सारे करते हैं, तो इस बात को जरूर बताएंगे कि वासुकीनाथ जो संस्था है उसमें गरीब लोगों को भोजन दिया जाता है, और अपने जन्मदिन या किसी वर्षगांठ के समय में यदि आप इसको बुक करना चाहते हैं तो आप के नाम से। नमस्ते सभी को, हम लोगों के यहाँ गोपीराम हॉस्पिटल से, हमारे हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, सभी तरीके की सेवाएं दी जा रही है। अभी हम लोग ओपीडी सेवा दे रहे हैं, साथ में आई डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर सारे लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं, साथ में नेचुरोपैथी का सेंटर भी खुल रहा है, स्टार्ट हो जाएंगे लाइक न्यूरो एंड ऑल सारे डिपार्टमेंट विदिन 1 month हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए ओपीडी सेवाएं स्टार्ट है। थैंक यू। आकाश 5 साल पूरा हुआ, मैं शुरू से देख रही हूँ लगातार बाबा वासुनाथ हमेशा गरीबों के सम्मान से, गरीबों की सहायता के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो मैं एक कविता, छोटी सी कविता से
बोलना चाहूंगी कि आओ हम मिलकर करें ऐसा भारत निर्माण, विकास की गंगा बने वो भारत का उद्धार हो। आओ हम मिलकर करें ऐसा भारत निर्माण, विकास की गंगा बने वो भारत का उद्धार। बच्चे बूढ़े खुश रहे, बच्चे बूढ़े खुश रहे, नारी को मिले सम्मान, जात पात का भेद न हो, वो मानवता सर्वोच्च स्थान। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य कि मानवता सर्वोच्च स्थान। आज जितने भी यहाँ रिटी पर्सन आते हैं, जितने भी गरीब आते हैं यहाँ पर बाबा वैश्वनाथ की जो सेवा मिलती है उसे अपना भूख मिलाते हैं और कितने आशीर्वाद देते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ कि बाबा वैश्वनाथ कई बच्चिया का भी शादी करवा चुके हैं, वो भी मुझे पता है। और हमारे और भी आशंक को सशक्त बने, समृद्ध बने। और हमारे समाज सेवी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कोई अगर सहारा नहीं हो तो, लेकिन एक सहारा है बाबा वाशुनाथ सेवा समिति। मैं तहसील से धन्यवाद देती हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। आज जानका जी ने बोला कि आपको आना ही है हर हाल, अगर नहीं आओगे तो ठीक नहीं। आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और आके मैं विभोर हो गया इनकी सेवा देखकर, इनकी बातों को सुनकर, साहब की बातों को सुनकर कि ये इतनी सेवा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ। भाई साहब, सेवा स्वार्थ से नहीं होती है, ये आप लोग याद रखिए। सेवा कभी भी स्वार्थ से नहीं होती है, सेवा जब भी होती है वो निस्वार्थ ही होती है। और आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी कन्या, कोई भी लड़की जो नाबालिग हो और उनका कोई शादी करने वाला नहीं है, कोई उनका घर में नहीं है ऐसा, मतलब उनकी शादी कर, मैं उसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मैं उस लड़की की शादी कराऊंगा। कोई भी वृद्धजन जिनको कोई सहारा नहीं है, आप मेरे से संपर्क करें, मैं कोशिश करूंगा उनको सहारा दे। इतना कहकर मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। तो सरकारी हो कि बिल्कुल, यहाँ भी जो बैठे हैं कुछ लोग जो आपके फ्रंट लाइन पे हैं, ये अपना सब कुछ लगा करके बेहद जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का कार्य कर रहे हैं। और आज 5 वर्ष हो चुके हैं, कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट नहीं है, किसी तरह की कोई रजिस्टर्ड ये नहीं है। जो होती है कभी कभी कि भाई कोई संस्था होगा जिसमें फंडिंग आती होगी, बाबा वासुकीनाथ सेवा समिति में किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं आती, ये भी रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है। जो 4 लोग बैठे हैं, इनकी जो इच्छा शक्ति है, हम लोगों ने शुरुआत किया था और ये बढ़ा रहे आगे। इतना जो उम्र हो चुका हमारे ताऊजी सने वाले, तो पीछे से कुछ 2-4 लक्ष्मण जी प्रजी लोग भी है और मीडिया सर जैसे भी संरक्षक करते हैं, और जो हम इधर बता रहे थे संरक्षक जहाँ बैठे हुए हमारे